हेलो सर, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सर, आज के ब्लॉग में मैं हूँ यार हैदराबाद में। तो यार मैं कल निकला था हैदराबाद के लिए, तो आज मैं सुबह ही मॉर्निंग में पहुँचा हूँ यार हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्यों आया, आप सबको तो पता ही है। मैंने अपना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डाल दिया था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ दशहरा सेलिब्रेट करने। सो आज है दशहरा का गाइस, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। आई होप कि यार आप सब दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो यार मैं सेलिब्रेशन के लिए तो मैं सतना नहीं जा पाया, अपने घर नहीं जा पाया। अगर आपको नहीं पता तो हैदराबाद में मेरी दीदी और जीजू रहते, तो मैं दीदी लोग के आ गया, तो मैं बोला चलो आप भी लोग साथ दशहरा सेलिब्रेट कर दूंगा। क्योंकि यार त्यौहार के टाइम में यार मैं अपना घर बहुत मिस करता हूँ, और आई नो यार आप सब भी मिस करते होगे जो लोग घर से दूर रहते हैं। तभी मैं यार अपन हैदराबाद आ गए और यहाँ पे अपन सेलिब्रेट करने वाले। तो आज का ये सीन है, अपन पहले कुछ पटाखे भी खरीदने जाना हम लोगों, क्योंकि आपको तो पता ही है हैदराबाद क्यों आए। हम लोग को पटाखे भी यहाँ लेके फोड़ने वगैरह आप सबकी डिमांड आ रही थी कि आप साउथ इंडिया जाओ, साउथ में जाओ और वहाँ के पटाखे लेके हमें टेस्टिंग वीडियो बना के देखो। तो वो भी अपने को करना है आज। तो आज काफ़ी लंबा दिन होने वाला है, तो अगर आज के व्लॉग यार अगर लंबा बहुत हो गया तो मैं जो फायरवर्क शॉपिंग का व्लॉग है वो नेक्स्ट व्लॉग डाल दूंगा। आज का अपन दशहरा का व्लॉग सेलिब्रेट करते हैं। अपन काफ़ी जगह भी जाएंगे जहाँ रावण जलता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह मैंने पूछा था तो काफ़ी जगह है रावण भी जलता है, तो वो सीन है। तो वीडियो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। एंड मैं कुछ शूट नहीं किया यार पुणे से, जब हैदराबाद आ रहा था मैं बस पुणे से कल निकला अराउंड 9:30 बजे एंड आज सुबह मैं पहुंच गया यहाँ 11 बजे। तो काफ़ी लंबी 14 घंटे की जर्नी थी। तो अभी कुछ बज रहे हैं दोपहर के 1, अभी अपन निकलने वाले हैं यार दशहरा सेलिब्रेट करने और कुछ पटाखे खरीदने। तो अपन शायद अराउंड 4 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि अभी खाना वगैरह खा के आराम करके निकलेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बट कोई बात नहीं, आप सबके लिए वीडियो बनानी है और हैदराबाद मेरे को घूमना भी है, ठीक है। और मैं हैदराबाद में 4th टाइम आ रहा हूँ, तो मैं आपको आगे बताता हूँ ब्लॉग में अपन क्या करने वाले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो रावण लेके जा रहे थे, ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है, हल्का सही है। सर मेरे कैमरे में कुछ तो इशू आ रहा था, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जीजू के फोन से। दीदी रिकॉर्ड कर रही है। सर यार भीड़ हो गई, देखो काफी भीड़ है। दीदी तेरे को लेना क्या है वैसे? मेरे को वो वाला। ये क्या, ये भी देखते हैं, पूछते हैं इसका क्या रेट है, ठीक है। काफी भीड़ हो गई है अभी तो। अरे रावण के लिए पटाखे जल रहे हैं वहाँ, क्या बात है, ईद दशहरा। सर यहाँ पे ये सीन था ना, वो जो पटाखे वो लोग बेच रहे थे 650 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे थे। तो जीजू मैंने ये जो लिया ना 80 रुपीज़ का दिया मुझे। और दीदी का जो पीकॉक दीदी था तेरा 400 का था, वो पीकॉक सोच रही थी 400 का दे रहा है किलो के हिसाब से, आधे किलो के बताते कि 300 रुपये में। तो ये सीन है, अभी चलते हैं अपन रावण देखने। बैटरी जवाब दे गई है, कभी कभार ऑन हो जाता है बट जब मैं रिकॉर्ड चालू करता हूँ तो कुछ तो बैटरी का इशू आ जाता है। तो एक सीन है, मेरे को शायद बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। देखो अभी तो आईफोन है तो ठीक है, बट जब आईफोन नहीं होगा तब कैमरा जवाब दे देगा, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, तो वो इशू रहता है। तो जब भी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो स्टार्ट हो जा रहा है, जब मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करता हूँ कभी कभार ये बंद हो जा रहा है। तो इसका भी एक सीन है, इसका मेरे को बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी अभी। I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. मैंने first time देखा है कि highway पे
रावण दहन कर रहे हैं। I don't know हर जगह होता है किसी, बट हैदराबाद में फर्स्ट टाइम देखा, मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम ही देखा। तो वही फायर वर्क हो रहे, चलते आगे देखते हैं क्या सीन है। अरे अपने सपना में ना सवरिया चौके से वैसे ही यहाँ पे भी सेलिब्रेट हो रहा है। अभी पटाखे बज रहे थे, अभी रुका है जस्ट, आओ देखते हैं क्या सीन है। तो भाई ये अरे अरे भाई अरे रुक जा भाई, ये लोकेशन का नाम है एलबी नगर, एलबी नगर के चौक पे शिवालय के पास में रावण दहन हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखो यार, एकदम रोड के बीच में हाईवे पे। बढ़िया है, मैंने यूट्यूब लाइव चालू किया है। जय श्री राम। सब भाग गए। करो 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 करो। लड़ी लगाई है वहां पे। देख के आते हैं आगे। क्या तो लड़ी पटी। क्या हो गया दीदी, वीडियो कॉल पे हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा यार। गाइस YouTube लाइव पे रहता है, थोड़ा देख लो यार आप लोग। आजा आगे आजा। तो दीदी आज YouTube लाइव संभालते हुए मेरी। हाँ चल रहा है। कितना तेज पटा हूं। आज पूरा ट्रैफिक रोक दिया। तो भाई ये कुछ अलग चीज देखी यार मैंने, आपने भी अगर देखी हो तो कमेंट करना जरूर, काफी मजा आया। मतलब पूरे ट्रैफिक के बीच में रावण को दिलाया, मजा आ गया।
अरे उधर पटाखे बज रहे, आई होप आप सब आज का ये वाला वीडियो इंजॉय किए होंगे। एंड यार अभी कुछ बज गए हैं रात के एक, तो यार आज का दिन बहुत लंबा था एंड आई डोंट नो यार मेरा कैमरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। आज काफ़ी मतलब जगह ना मैं आपने देखा होगा आईफोन से शूट किया आज का पूरा व्लॉग, ऑलमोस्ट पूरा व्लॉग आईफोन से ही शूट किया मैंने। बिकॉज यार क्या हो रहा था, मेरी शायद कैमरे की बैटरी हो गई है ख़राब, अभी पता नहीं जैसे तैसे मैंने इसको फिक्स किया है, बट ये अपन फायरवर्क शॉपिंग वगैरह भी कर रहे थे तो कैमरा बंद हो रहा था, तो उसका आई गेस ये रीज़न है कि अपनी बैटरी हो गई पुरानी और वो डेड हो रही है धीरे धीरे। इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है गाइस आजकल, तो वो एक सीन हो गया इसके साथ। तो मैं कल जाके सबसे पहले हमारा काम रहेगा बैटरी लेने, तो कल का व्लॉग आप लोग मिस मत करना। कल हम लोग शायद फायरवर्क शॉपिंग का भी मैं व्लॉग डालूंगा, पहले तो आप ये दशहरा व्लॉग देखोगा। आप लोग बताओ यार आप लोग को दशहरा व्लॉग कैसा लगा, आई होप आप सब दशहरा व्लॉग इन्जॉय किए होंगे। मैं तो यार काफ़ी मज़ा आया मेरे को, आपको तो पता ही है मेरे को बहुत जगह घूमने से मज़ा ही आता है, तो आप सब भी इन्जॉय किए होंगे आई होप। तो काफ़ी सारे फायरवर्क्स भी अपन लेके आए हैं, ये रखे हुए फायरवर्क्स, तो इसकी अपन अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे जो कि आ जाएगी मेरे चैनल पे बहुत जल्द। तो आप चैनल कर दो सब्सक्राइब, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम रखते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, आपको तो पता ही है ये साल के एंड तक हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। और ये लाइटिंग कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, और काफ़ी लोग बोल रहे थे दीदी से मिलो, और कहाँ है दीदी, तो यार आपको तो मैंने मिलवा ही दिया, तो वही सीन है दीदी हैदराबाद में। तो और कितने लोग आप लोग हैदराबाद से, कमेंट करके जल्दी बताना। और मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं 1 बज गया है रात के, एंड अगर 1 बजे मैं तेज तेज चिल्ला के ब्लॉगिंग करूँगा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो वो सीन रहता है। तो आई होप आप ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा, चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना शॉपिंग का ब्लॉग, एंड उसके बाद टेस्टिंग, काफ़ी सारे वीडियो भी पेंडिंग है। एंड आप सब बोल रहे हो कि सतना कब जाओगे, तो सतना मैं बहुत जल्द जाऊंगा, दिवाली के कुछ दिन पहले ही जाऊंगा। अब इसके बाद अपन पुणे जाएंगे, पुणे का वीडियोज आएगी काफ़ी सारी, तो वो सीन एक है। एंड कितने लोग हैदराबाद से कमेंट करके बताओ, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, अपन वहाँ चैट वैट करेंगे, अगर मिलना होगा आप सबसे मैं मिल लूँगा, ठीक है, तो वो सीन है, ठीक है। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं बाकी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, काफ़ी कुछ अपडेट भी आने वाला है, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।